देखिए ये पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास अटैच टू द लोअर एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम द सीलिंग एंड हैज द फोर्स कांस्टेंट के द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्टेस्ड द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग विल बी देखो क्या कह रहा है जरा लफड़ा समझिएगा यह स्प्रिंग है और ये किसी सीलिंग से लटकी सीलिंग जानते हो ना छत का नीचे का पार्ट ऐसे लटकी हुई है ठीक है और इस समय जो लटकी है वो अनस्ट्रेच्ड है यानी इसमें कोई भी स्ट्रेच नहीं है ठीक <laughs> है बोलते रहिए जब आपकी फोटो नहीं आ रही तो आवाज़ आती रहे अब यहां पर हमने एक मास्क लटकाया मान लें इसकी लेंथ कुछ भी थी यहां तक ये इसकी ये ये इसकी सिचुएशन थी जब मास लटकाया तो इसकी लेंथ बढ़ गई थोड़ी सी और बढ़ के क्या हो गया ये मास यहाँ लटक गया स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट याद हो तो अब बताइए मान ली ये एक्स बढ़ गई अब इस सिचुएशन में क्या ये स्प्रिंग ये जो मास ये ऑसिलेशन करेगा इस सिचुएशन में क्या मूवमेंट करेगा कैसे रहेगा ऐसे रहेगा ना लेकिन क्या इस जो स्प्रिंग है वो चुपचाप बैठी हुई है जी नहीं उसे गुस्सा आ रहा है वो ये सोच रही है कि जैसे ये हटे वैसे अपनी सिचुएशन में हम वापस लौट के आ जाए यानी इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स और आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स प्रपोर्शन किसके होता है एक्स के होता है, है माइनस में एफ बराबर माइनस के एक्स होता है ना इसमें स्प्रिंग इस खींची हुई है ना स्प्रिंग खींची हुई है ना तो स्प्रिंग के पास एक एनर्जी है कारंटिंग एनर्जी इस एनर्जी के से स्प्रिंग अपने आप को खींचने की कोशिश करेगी ठीक है यानी कि स्प्रिंग की एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी और ये किसके इक्वल होगी ये इक्वल होगी एनजीएक्स के ये जितना देखो जा, सुनिए जान से छोड़िए इसको भूल जाइए आप जानते हैं अगर कोई स्प्रिंग को आप इसकी लंबाई बढ़ा दीजिए तो स्प्रिंग के पास एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है जिसको हाफ के एक्स स्क्वायर कहते हैं याद है ना अगर आप स्प्रिंग भूल जाइए और एक्स हाइट आपने कोई चीज बढ़ाई है इस फोर्थ एम जी के लांग, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगी ना एच बोले तो एम जी एक्स हो जाएगी तो स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर एमजीएक्स होगी ना दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर x से x कट गया तो हाफ के एक्स बराबर एम जी तो यहाँ x का मान आएगा टू एम जी बाई टू एम जी बाई के ये आएगा एक्चुअली मैं स्प्रिंग का एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ लगाना पड़ेगा ठीक है एस एस एम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे गॉट द कॉन्सेप्ट ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है पीएमटी 2009।